एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत हम विभिन्न विषयों को आपको प्रतिदिन उनके व्याख्यान उपलब्ध कराते हैं। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव फॉर्म में, सभी रूप में आपको उपलब्ध होते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी एक सही दिशा में बनती रहे। ठीक है, बिना किसी परिस्थितियों को देखते हुए आप अपने मना स्थित को भयाक्रांत ना करिए और सही एक दिशा और दशा पकड़िए, अपनी तैयारी को एक दिशा में ले जाइए। सबसे उचित कदम वो है। ठीक है, आप सभी को मालूम है टीम आप सभी के लिए निःशुल्क 10 प्लस कोर्सेज का प्रोग्राम चला रही है, जो कि बिना किसी शुल्क के है। यानी इस लॉकडाउन की कंडीशन में जब देश पूरा बंद है, आप लोग अपने घरों में बंद हैं उस दौरान, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आती हैं। जब आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं तो आपको पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए, उसके लिए टीम परीक्षा प्लस 10 प्लस कोर्सेज निःशुल्क आपको प्रदान कर रही है, जिसमें सभी वीडियोज आपके निःशुल्क हैं, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। तो सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम से जुड़िए और जो है इसका लाभ उठाइए। अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है तब आप हमसे जो है 3 महीने के प्लान से जुड़ जाइए। वहां पर 3 महीने में जितनी भी हम क्लासेज आपको चलाएंगे, हर दिन जितनी क्लासेज होती हैं, 4, 5, 6 जो भी होंगी, सभी की हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे और एक अच्छी पीडीएफ जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई, आज का जो हमारा विषय है, आज हिंदी है चूंकि, और हिंदी व्याकरण में हमने विकारी शब्दों को पढ़ना प्रारंभ किया है। यानी प्रयोग के आधार पर विकारी शब्दों में मैंने आपको संज्ञा के भेद और उनके जो है सभी प्रकार के बारे में, मतलब संज्ञा का और संज्ञा के भेद के बारे में पूरी तरीके से विधिवत परिचर्चा कर दी है। उसकी नोट्स भी आप सभी को मिल गई है। आज हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत दूसरा जो शब्द होता है, जिसको आप लोग सर्वनाम के रूप से जानते हैं। ठीक है, अब हिंदी व्याकरण में सर्वनाम जानने से पहले ही आपको दिमाग एक चीज यह लगानी है कि इसमें जैसा कुछ दिया है, इसको समझने के लिए सबसे बेहतर आपके पास विकल्प यह होता है कि इसका जो है आप विच्छेद कर दीजिए। तो विच्छेद करने पर आपको मिलेगा, दो शब्द मिलते हैं, एक पहला तो मिलता है सर्व और दूसरा नाम जो है मिलता है नाम। सर्व का जो अर्थ होता है, यह अर्थ होता है सभी, और नाम का अर्थ आपका नाम ही होगा। यानी सभी नाम जिसमें शामिल हो जाएं वह सर्वनाम है। जब मैं आपको संज्ञा पढ़ा रहा था तो संज्ञा में मैंने बताया कि नाम संज्ञा है, यानी वहां पर किसी भी शब्द का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वह किसी विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त होगा। यानी संज्ञा सिर्फ विशेष अर्थों में प्रयुक्त होती है। अगर मेरा नाम रमन है और आप रमन बुलाओगे तो मैं बोलूंगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग बोलेंगे। अगर एक भीड़ में सारे लोग खड़े हैं, वहां आप बुलाओगे रमन तो मैं ही बोलूंगा वहां पर, या मेरे नाम से अन्य कोई होगा वो बोलेगा, लेकिन सारे के सारे सदस्य आपसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि संज्ञा का मतलब नाम और नाम का मतलब विशेष चीजें। आप दिल्ली शहर बोलोगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम जो है मुंबई महाराष्ट्र सब शहर समझ लेंगे। आपने दिल्ली बोला तो हम दिल्ली ही समझेंगे। ठीक है, यानी जो नाम आया, चाहे जो नाम है आपका, जगह का नाम है, व्यक्ति का नाम है, पशु का नाम, पक्षी का नाम, कुछ भी नाम आपने लिया, वह विशेष हो जाता है, वह संज्ञा में होता है। लेकिन सर्वनाम में ऐसा कोई शब्द आप प्रयोग करिए जो सभी नामों के लिए हो जाए, यानी कोई एक ना कह दे कि ये मेरा कॉपीराइट है। ठीक है, यहां पर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए नाम के स्थान पर जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हो जाए। क्लास में रमेश, सुरेश, मोहन, ठीक है, तमाम ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनके सभी के अपने नाम है। अब आपको क्लास में जाकर सभी बच्चों को बाहर पार्टी के लिए बुलाना है तो क्या बोलोगे? चलो आप सभी आ जाओ बाहर फटाफट। तो वहां पर आपने ये नहीं बोला कि रमेश, सुरेश, दिवाकर, जो है सारे लोगों को एक एक करके नाम नहीं चुना आपने, वहां सभी को क्या कर लिया, आपने कहा कि आप सभी बाहर आ जाओ। अब आपने वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया, वो क्या हो गया, वो सभी नामों को दर्शाने वाला हो गया। यानी सर्वनाम का अर्थ है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सभी नामों के लिए कर लिया जाए वह सर्वनाम होते हैं। समझ गए? संज्ञा में सिर्फ अगर आप प्रयोग कर रहे किसी शब्द का, किसी नाम का, तो वह शब्द उस विशेष व्यक्ति के अर्थ में ही जाता है। समझे? यहां पर सर्वनाम में कोई भी कॉपीराइट का मामला नहीं है। आपने बोला मैं, ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं है कि आप ही बोल सकते, कोई भी बोल सकता है।
कई बार आप अपना नाम जो है बोलने की अपेक्षा, ठीक है, बार बार तो आप बोलेंगे नहीं कि अच्छा जो है मेरा नाम रमेश है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वहां मैं आप प्रयोग करने लगते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं, या आपने कहा कि रमेश सुरेश जा रहे, ठीक है, मोहन राकेश जा रहे, अब मोहन राकेश अच्छे मित्र हैं, अब हर बार आप जो है उनका नाम की बजाय बसते हैं और वहां पर क्या बोलने लगते हैं, वह का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देते हैं। यही चीज क्या हो जाती है, सर्वनाम हो जाती है। ठीक है, तो सर्वनाम अर्थ समझ गए, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगे जो शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, वह सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम की अगर हम संख्या देखें तो हिंदी जो व्याकरण बताता है वह सर्वनाम की संख्या 11 बताता है। अपने यहां 11 सर्वनाम है, ये 11 जो सर्वनाम है इन्हीं सर्वनामों को अलग अलग जो है वर्गीकृत किया जाता है और यहीं से इनके उपभेद बन जाते हैं। सर्वनाम के 6 उपभेद हमें पढ़ने पड़ते हैं या 6 भेद पढ़ने पड़ते हैं। अब इन 6 भेदों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सा सर्वनाम किसके अंतर्गत आएगा उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से सारी प्रक्रिया को यहां लिख भी दिया है, जैसा कि मैं जिन शब्दों का प्रयोग आपसे बोल रहा हूं व्याख्यान में, वैसे ही शब्द आपको नोट्स में भी मिलेंगे। आपको लगेगा आप नोट्स नहीं फिर से व्याख्यान मेरा पढ़ रहे हैं, दोबारा सुन रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर जो आपको समझाया है बहुत अच्छे से, वो क्या किया है, मैंने एक वाक्य के कई रूप यहां लिखे हैं, समझिए। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। दूसरा मैंने लिखा पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। तीसरा मैंने लिखा पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। चौथा मैंने लिखा पेड़ पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। पांचवा लिख दिया पेड़ पौधे हमें फल फूल दवाएं इमारती लकड़ी आदि इनसे जो है मिलता है। अब पेड़ पौधे जो यह शब्द है, बार बार मैं इसका जो है यहां प्रयोग कर रहा हूं। अब इन वाक्यों में देखिए, जैसे मैंने अब इन वाक्यों में परिवर्तन जो आया, इस पर गौर करिए कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अब दोबारा जब मुझे दूसरे वाक्य में पेड़ पौधे लिखना था तो यहां पर मैंने प्रयुक्त किया वो, ठीक है, वह पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते, वह विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते, वह भूक्षरण को रोकते हैं। यानी यहां पर हम उनका बार बार नाम लिखने की बजाय क्या कर दिए, हमने उनके जगह पर वह शब्द का इस्तेमाल प्रयुक्त करना प्रारंभ किया और यही वह जो शब्द है यह क्या है, सर्वनाम है। समझ गए, यानी अब तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम की संख्या मैंने बताई कि सर्वनाम की संख्या अपने यहां 11 है हिंदी व्याकरण में। कौन कौन से है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, ठीक है। 11 सर्वनाम अपने यहां होते हैं। पहला तो होता है मैं, दूसरा होता है तू, तीसरा होता है आप, चौथा होता है यह, पांचवा वह, छठा होता है जो और सातवां होता है सो। जो सो रिलेशन दिखाते, कौन क्या, ठीक है, आठवां होता है ये, नौवां होता है ये, दसवां होता और ये 11 होता। तो यहां पर जो जैसे लिखे हुए हैं उन्हीं अनुसार इनका वर्गीकरण है और जैसे ये शब्द लिखे हैं इनको समझ लीजिए। जब सर्वनाम के आप भेद पढ़ोगे तो पहला सर्वनाम जो होता है यह सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे वहां पर हमने व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ा था, यहां पुरुषवाचक क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगे जिसमें आपके कौन कौन से आए, मैं, तू, वह या मैंने, ऐसे शब्द आपको मिलने लगे या मैं, तू, वह मिलने लगे तो आप समझ जाओ कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। निजवाचक सर्वनाम दूसरा होता है प्रकार, इसमें आप शब्द का प्रयोग करते हैं निजवाचक में। तीसरा होता है निश्चयवाचक, जिसको आप संकेतवाचक भी बोलते हैं, निश्चयवाचक में यह और वह शब्दों का प्रयोग होता है। दिस दैट, याद करिए कक्षा 7 और 8 में एक न्यूलाइट चलती थी इंग्लिश ग्रामर की, तो वहां पर दिस दैट का आप प्रयोग करते थे तो वहां सिंबल क्या बना होता था, नजदीक की वस्तु होती थी तो वहां दिस प्रयोग करते थे, दूर की होती थी तो दैट। तो ये निश्चयवाचक यहां संकेतवाचक के तौर पर आएंगे, निश्चयवाचक के तौर पर आएंगे, यानी इनका अर्थ दोनों के तौर पर होगा। आगे वाक्यों में जब इनका प्रयोग होगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला है अनिश्चयवाचक, ये कोई और कुछ जो सर्वनाम होते हैं ये अनिश्चयवाचक के उदाहरण होते हैं। ऐसे शब्द जहां मिलने लगे वहां समझ जाना वो अनिश्चितता दर्शाते हैं। अगला होता है संबंधवाचक, जो और सो शब्द जो होते हैं ये संबंध दर्शाते हैं। और इसके बाद जो छठा प्रकार होता है वह होता है प्रश्नवाचक, यानी कौन और क्या शब्द। अब हम एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं बहुत अच्छे से और पूरे सर्वनाम को बहुत विधिवत समझते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो इसकी परिभाषा जब आप करोगे तो
हमेशा एक चीज याद रखना कि जब आप बात करना प्रारंभ करते हो, ठीक है, दूसरा जो सुनता है, तो जब आप जो है क्या हो गए, वक्ता हो गए, दूसरा सुनने वाला हो गया। मान लीजिए आप दोनों मिलके किसी अन्य के बारे में बात करते हो, तो वो क्या तीसरा जो है व्यक्ति हो जाता है। इसी चीज को यहां समझना है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो व्यक्ति बोल रहा, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा जो किसी और के लिए कर रहा है या अपने लिए कर रहा, कि मैं बाजार गया था, वहां सोहन और उसके साथ कुछ और लोग थे। अब वहां सोहन और उसके साथ, सोहन के साथ नहीं, उसके साथ बोल दिया, तो ये सब जो शब्द मिल रहे, ये क्या है, ये सर्वनाम है। कैसे? पुरुषवाचक। दूसरी बात, इसके अंतर्गत जैसे मैं और हम, ये वक्ता द्वारा खुद के लिए इस्तेमाल होते हैं, तुम और आप ये सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए इस्तेमाल होते हैं, और यह वह ये वह ये किसी और के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पुरुषवाचक में तीन तरीके के आपको वर्गीकरण दिखाई पड़े, और इसी वजह से पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन उपभेद बन जाते हैं, इनको आगे सीखेंगे। यहां उदाहरण से आप समझ लीजिए कि इनके उदाहरण आपको कैसे मिलेंगे। वहां जो अभी यूपी ट्रिपल एससी नए पैटर्न पर कार्य कर रहा, तो उसमें उदाहरण वाक्य में ही मिलते हैं, वहां आपसे पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है, पहचानिए, ठीक है। इस वजह से वाक्यों में इनके प्रयोग को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैं शब्द आया, यहां बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है। मैं घर जाना चाहती हूं, यहां जो है जो वक्ता है वह भी अपने लिए प्रयुक्त हो कर रही है। मैं, तू कहता है तो ठीक ही होगा, मतलब आपने दूसरे के लिए प्रयुक्त किया, जो सुनने वाला है उससे कह रहे हो तू कहता है तो ठीक ही होगा वो बात, ठीक है। तू जब तक आई तब तक वो चला गया, यानी जो सुनने वाला है, जिससे श्रोता कुछ जो है वक्ता कुछ कह रहा, उसके लिए तू शब्द का प्रयोग किया गया। आजकल आप कहां रहते हैं, अब तू और आप श्रोता के लिए होता है, जो सुनने वाला है, तो यह श्रोता के लिए प्रयुक्त हो गया। आप जहां भी रहती हैं, खुशियों का माहौल रहता है, अब यह भी श्रोता के लिए प्रयुक्त हो गया, समझ गए। ऐसे जहां पर भी आएंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, पुरुषवाचक के भेद को समझिए अच्छे से। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था कि एक तो श्रोता खुद के लिए प्रयुक्त करता है ऐसे शब्द, दूसरा जो वह मतलब एक वक्ता अपने लिए प्रयुक्त करता, दूसरा वह श्रोता के लिए जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता, और तीसरा वह किसी अन्य के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग करता। इन आधार पर तीन इनके भेद बनते हैं, उन्हीं को समझिए पुरुषवाचक में। पहला भेद होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ये तीन इसके विभेद होते हैं पुरुषवाचक के। उत्तम अगर पुरुष देखें कि उत्तम पुरुष क्या है, तो इसमें समझिएगा, उत्तम पुरुष यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करे, वह उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि, ये सभी जो शब्द लिखे हैं ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आपका होता है, जैसे इसमें उदाहरण देख लें, मैं खाना खाना चाहता, मेरा नाम विकास है, ठीक है, ऐसे शब्दों को मैंने यहां लिख दिया है कि आप कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। अगला है दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष समझ ले भैया, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि, ये सभी शब्द आपके क्या होंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण में जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, तुम यहां आकर बैठ जाओ, आपका नाम क्या है, आजकल आप कहां रहते, तुम क्या कर रहे हो, ये सारे शब्द जो है यहां श्रोता के लिए प्रयुक्त किए गए वक्ता के द्वारा। इस वजह से ये किसके उदाहरण है, ये आपके जो है मध्यम पुरुष के उदाहरण है। तीसरा पुरुष हम पढ़ते हैं, जिसको हम अन्य पुरुष, यानी किसी जब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वो, ऐसे जब आप बात करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वहां पर आपका अन्य पुरुष सर्वनाम आता है, समझ गए। अब इसमें वाक्यों में प्रयोग आप देख लें अन्य पुरुष के उदाहरण, जैसे वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, अब हमने तीसरे के बारे में बात किया, उसके लिए क्या प्रयुक्त किया, वह शब्द का। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ाई में बहुत तेज है, अब यहां पर उत्तम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है, और तीसरा अन्य पुरुष भी आ गया। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, ठीक है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा,
मैंने उसे कहा था। यहां पर जैसे शब्द आपको मिल रहे हैं वो सब क्या है, किसी अन्य के बारे में बता रहे, और अन्य के बारे में बता रहे तो वो क्या है, वो सभी आपके कैसे सर्वनाम है, अन्य पुरुष जो है सर्वनाम होते हैं। अब हम समझते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में जैसे पुरुषवाचक में आपने कई शब्दों में आप शब्द को देखा सीखा, कई बार आप शब्द आया है। अब निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है, जो स्वयं के बारे में बताए वह शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो कभी भी जहां पर आप शब्द लिखा है, इसमें बहुत सारी गलतियां यह होती हैं कि हम आप शब्द के मतलब को नहीं समझ पाते और वहां निजवाचक और पुरुषवाचक में कोई विभेद स्पष्ट नहीं कर पाते और हम गलत करके एग्जाम में चले आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए, जब जो है या जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहां पर भी वही परिभाषा मिली और वहां पर आप पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यही परिभाषा पढ़ रहे थे, लेकिन वहां तीन प्रकार के आए थे, यानी स्वयं के लिए, दूसरों के लिए और किसी अन्य के लिए करे, तो वहां तीन तरीके के, यहां सिर्फ अपने लिए और उनके अंतर्गत कैसे शब्द, आप स्वयं खुद स्वतः ऐसे शब्द मिलने लगते हैं, तो वह शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां निजवाचक होता है। तो दोनों को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां या आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, यानी जब आप किसी अन्य व्यक्ति के जो आपकी बातों को सुन रहा हो उसके लिए आपका प्रयोग कर रहे, तो मतलब वो क्या है, वो आदर सूचक शब्द हो गया। लेकिन जब आप स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयुक्त करने लगे तो वहां यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो जो है बहुत आसानी से एक नंबर चला जाएगा। यहां पर पहला जो शब्द वाक्य लिखा है, आप कहां जा रहे हैं भैया, तो आपने इसमें देखिए, समझिए अच्छे से, आप कहां जा रहे हैं, ऐसे ही आपको वाक्य मिलेंगे और पहचानना होगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। अब इस वाक्य में आप जो है ये वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा, अतः यह आदर सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। समझ गए, आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां लिखा तो शब्द आप है लेकिन यह आदर सूचक है, यहां यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। दूसरा, मैंने यहां वाक्य लिखा है, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, ठीक है, आप शब्द यहां आया। अब इस वाक्य में वक्ता जो आप शब्द का प्रयोग कर रहा वह स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहा, इस वजह से यह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या याद रखना है, निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण यानी निश्चय के लिए होता है हमेशा। जैसे मैं आप वहीं से आया हूं, मैं आप वहीं कार्य कर रहा हूं, तो यहां पर जो आप आएगा यह निश्चितता के लिए होगा संज्ञा या सर्वनाम के। दूसरी चीज आपको याद रखना, निजवाचक आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे मतलब अब ये उलझने वाली जो चीजें हैं उनको मैंने अच्छे से लिखा है, इसको समझ लो, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, उन्होंने मुझको रहने को कहा और आप चलते बने, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। अब यहां जैसे शब्द प्रयोग हुए अलग अलग दो वाक्यों में, इनमें आप समझ सकते हैं कि यहां पर आप शब्द का प्रयोग किसमें, निजवाचक के तौर पर भी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, सर्वसाधारण के अर्थ में भी निजवाचक सर्वनाम आता है, आप कैसे, जैसे आप भला तो जग भला, यह कई बार पूछा गया, यहां आप जो शब्द आया है यह क्या है, यह भी आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। आगे है अवधारण के अर्थ में यानी निश्चित करना है उसके अर्थ में, कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है, जैसे आप ही, ठीक है, जैसे यह काम आप ही कर ले, या फिर ऐसा भी बोल सकते मैं यह काम आप ही कर लूंगा। तो यहां पर जहां पर भी ऐसे शब्द आए जहां निश्चिंतता जो है करनी हो वहां पर भी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब आगे इसमें कुछ उदाहरण मैंने लिख दिए हैं जो अलग अलग तरीके के हैं जिनको आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से, पीडीएफ में मैंने जो अलग अलग चीजें आई है उन सभी को लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा में, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो,
निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, यानी व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का, लेकिन उनकी निश्चितता का बोध हो वहां पर। जैसे इनमें जो शब्द आते हैं वो यह और वह शब्द प्रयुक्त होते हैं। यह निकट के लिए आता है, वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चय हो वह सर्वनाम क्या होगा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। अब आगे बढ़िए, इसमें समझिए। जैसे उदाहरण मैंने जो इसमें शब्द मिलेंगे वो यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्द आपको यहां पर मिलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होंगी। जैसे आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, एक वाक्य लिखा है कि आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। अब यहां पर जो यह शब्द प्रयुक्त हुआ है इसके जरिए किसी पुरुष का बोध कराया गया, ठीक है, और इस कारण से यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे दूसरा शब्द मैंने लिखा, वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। अब यहां पर वह शब्द का जो प्रयोग हुआ यह भी एक निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा कि मतलब उस व्यक्ति में जो दूसरी इस बार भी जो है जिसकी दूसरी रैंक आई है दौड़ने में, समझ गए। यानी यहां पर जैसे भी वाक्य आपको मिलेंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब किसी निश्चितता को जो है प्रकट करने में आपके प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह बिलायती घोड़ा है, अब जिस घोड़े के बारे में हमने बात किया वो बिलायती है, विदेशी है, समझ गए। ऐसे निश्चयवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरणों में, यह पुस्तक सोनी की है, ये पुस्तकें रानी की हैं, यह कार मेरी है, मतलब इन सभी में निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह चीज निश्चित है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं इनके बाद के सर्वनामों की ओर। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यथा नामे जथा गुड़े, यानी ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां पर कुछ निश्चय ना हो पाए। जैसे इससे पहले वाले में निश्चय हो रहा था जब हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ शब्द का प्रयोग होता है, समझिए। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, अब यह नहीं पता कोई खड़ा है, बस यह पता है दरवाजे पर कोई आया है, खड़ा है, ठीक है, उसके बारे में हमें नहीं जो है पता है। निश्चिंतता यहां कहीं भी दर्शाई नहीं जाएगी। जैसे तुम्हारे लिए किसी का फोन है, अब किसी, अब ये जो शब्द किसी निश्चिंतता तो दर्शा नहीं रहा, अनिश्चितता यहां बरकरार हुई है, ठीक है। आगे है अन्य उदाहरण भी मैंने लिखे, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, मतलब कुछ देख लिए गए कुछ और देखने हैं। अब यहां जो कुछ शब्द है यह निश्चित नहीं है कि कितने पत्र देखे, समझे। आगे देख लेते हैं, सिर्फ जो है अगला है, जैसे मैं कुछ खाना चाहता हूं, मैं कुछ खाना चाहता हूं, यहां जो कुछ शब्द आया वो भी क्या है, अनिश्चितता। ये नहीं पता कि तुम भैया रोटी खाना चाह रहे, दाल चावल, क्या खाना चाहते, कुछ खाना चाहता हूं, कुछ भी मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहां पर भी आएंगे वो सब किसके उदाहरण होंगे, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। बाकी परिभाषाओं को मैंने लिख दिया है। अगला ही इसका प्रकार होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जहां पर क्या मिलने लगे, प्रश्न चिन्ह मिलने लगे, जिनसे किसी प्रश्न का सूचक हो जाए। जैसे समझो उदाहरण के तौर पर, यहां जो प्रयुक्त होता है इसमें कौन प्रयुक्त होगा, क्या प्रयुक्त होगा, कहां प्रयुक्त होगा आदि शब्दों का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे देखो तो कौन आया है, कौन आया है, ठीक है। यानी यहां पर ये चीजें हमें क्या करनी है, सवाल के जरिए हम देख रहे हैं कि देखो तो कौन आया है। दूसरा जैसे इसमें है, दूसरा उदाहरण है, या पता कहां का है भैया, ठीक है। दूसरा उदाहरण जो मैंने लिया है, या पता कहां का है, अब कहां शब्द आया, ठीक है, यानी ये प्रश्न उठा रहा, प्रश्नवाचक है। ऐसे ही आगे भी आपके लिखे हैं, इन सर्वनामों में जितने उदाहरण बनते हैं उन सभी को मैंने लिख दिया। तुम क्या खाना चाह रहे, क्या शब्द आया, ठीक है। ऐसे तुम कहां जा रहे हो, तुम बाजार से क्या लाए थे, ठीक है। इन सारे शब्दों में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इससे प्रश्नवाचक शब्द आपके बनेंगे ही बनेंगे। अगला एक बसता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, इसको समझ लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे किसी रिलेशन के बारे में हमें पता चलता है, संबंध के बारे में पता चलता। जैसे भैया देखो यहां पर अच्छे से समझो,
यहां जो रिलेशन होगा वो दो शब्दों के बीच में होगा और उनमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं रिलेशन बताने के लिए वो कौन से होते हैं, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो, ये सभी आपके ऐसे जो शब्द मिल रहे ये क्या है, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। अभी वाक्यों में प्रयुक्त होगा तब आप और अच्छे से समझेंगे। ये वाक्य पूछा गया, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा। अब यहां जो सो, फिर यहां जो, फिर सो, अब ये जो शब्दों में रिलेशन दिख रहा है, संबंध दिख रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के आपके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। अगला शब्द क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहां जैसी शब्द आया वैसी शब्द आया, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों आपके रिलेशन दर्शा रहे, संबंध दर्शा रहे। ऐसे आगे मैंने और शब्दों को यहां पर लिखा है, जैसे जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब ये भी तो जैसा वैसा शब्द मिला, ये दोनों आपस में एक दूसरे के से संबंध दर्शा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें जितनी चीजें रही वो सब कुछ आपकी समाप्त हो चुकी है। छह प्रकार के हमने सर्वनाम पढ़ लिए, सर्वनाम से आप समझ गए होंगे सारी चीजों को, इनके भेद क्या होते हैं, वो भेद क्या होते हैं, ठीक है। तो इससे आगे हम अगले विकारी शब्द को पढ़ेंगे जो आपका क्या होगा। देखो जितनी कोटियां होती है, जैसे संज्ञा में कारक बताना चाहिए था, सर्वनाम में वचन आते हैं, ठीक है, क्रिया में वाच्य आते हैं, इन सभी को मैं व्याकरणिक कोटियों को एक साथ पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, क्योंकि व्याकरणिक कोटियां UP SSC के नए किसी भी आपके हिंदी के सिलेबस में जरूर शामिल होता, वहां उसको अलग से वर्गीकृत किया गया व्याकरणिक कोटियां, और उनके अंतर्गत जो है सारे पॉइंट शामिल किए गए। तो व्याकरणिक कोटियों को जितने भी है उनको एक साथ मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको हर एक के बारे में पूरा डिटेल में पता चल सके। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिया के भेद उपभेद, क्योंकि क्रिया बहुत अच्छा टॉपिक है जहां से सवाल बहुत सारे बनते हैं और हमेशा बनते हैं। तो मस्त होकर पढ़िए, जो सारी समस्याएं हैं जितना मैंने PDF में दे रखा है, जितने एक्स्ट्रा आपकी चीजें हैं वाक्य, उनको आप पढ़ लेते हैं तो परीक्षा से बाहर कोई भी जाने की गुंजाइश नहीं बचती है। तो मस्त होकर पढ़े, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्रिया में। तब तक सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।